नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फरुखाबाद थाना कमालगंज क्षेत्र मोहम्मदपुर अचला गांव में कूड़ा डालने को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने कूड़ा डालने पर महिला को पीटा। महिला डालने गई थी कूड़ा, दबंगों ने कूड़ा डालने को लेकर किया मना। महिला के ना मानने पर दबंगों ने महिला के साथ जमकर की मार दी। महिला ने फावड़ा से हमला करने का लगाया आरोप। परिजनों ने लहूलुहान अवस्था में CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया किया रेफर। फरुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। गांव का नाम क्या है? मैं किस बात को लेकर आपकी पत्नी से मारपीट हुई है? मारपीट सर, घूरो भर रहे थे वो लोग, घूरो भर रहे थे। हमारे छोटा सा लड़का है वो उधर जो भैंस लेके गया, तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि कोई घूरा हल्का भर लिया, तो उसने दो लड़के तो पिए हुए थे शराब। इसने जाके जैसे बोला है, तो जो छोटा वाला है जिसका नाम चन्ना चन्ना कहते हैं, उसने एकदम इसको धारदार हथियार से। घोरा किसका था? घोरा मेरा था सर। धारदार हथियार से इसको चारों ने गिरा लिया और खेत में दौड़ा के मारा। जब उधर मोहल्ले वाले गाड़ी जब तक आए हैं वहाँ, तब वो छोड़ छाड़ के एकदम भागते। कितने लोग थे दौड़ा के मारपीट करने वाले? चारों लोग थे। किसे मारा दौड़ा दौड़ा कर? चन्ना और वो रीतू। नहीं, दौड़ा दौड़ा कर किसे मारा आज? घर में सुमन देवी। इससे पहले भी मारपीट कर चुके हैं? इससे पहले मारपीट नहीं हुई, उसके बाद जैसे बुरे कुछ बात कैसे हो गई मारपीट नहीं हुई। किस चीज़ से हमला किया है? वो फावड़ा था उसके पास, एक के पास फावड़ा था, एक सरिया थी। यही जब तक हम उसको बचाने के लिए आए, तब तक वो भाग गए चारों आदमी, और मोहल्ले वाले लोग आ गए आसपास वाले। तो थाने में तहरीर दी आपने? हाँ जी, दे दी तहरीर। थाना कौन सा लगता है? कमालगंज। पत्नी का नाम क्या है? सुमन देवी। क्या नाम है आपका? जोर तो बताओ। सुमन देवी। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम क्या? किस बात को लेकर मारपीट हुई है आपके साथ? दूरे के पीछे। कौन लोग हैं? राठौर। कितने लोग थे मारने पीटने में? चार लोगों ने मारा। किस चीज़ से हमला किया है आपके ऊपर? कौड़िया से। कौड़िया से। और कौन कौन घायल हुआ है आपके साथ? क्या दबंग लोग हैं? कहेंगे जी कौन लोग हैं? दबंग हैं क्या? दबंग हैं। दारू नशे में थे क्या? दारू नशे में थे क्या? हाँ, दारू पिए हैं। छोटो वालों जिन्हें पोलियो मारी। कितने लोग दारू पिए थे? एक लोग। थाने में शिकायत की है? थाने में शिकायत करे आए हैं। इससे पहले मारपीट की है? इससे पहले नहीं भाई, हम पोलियो बाने हमारे चले आते ही उन्हें मार दे। हम लोगों ने कहा हमने के घोड़ो खाए मारो घर, तो बाने मारे चले आते पौड़िया गाड़ी नहीं मातरियाँ बहनी और पौड़िया मारी। फिर हमें गिराई लो, होने चारों ने रे ढोर मारो हमें बहुत। हम बेहोश हो गया, फिर जे आने डाली गए तब इन्हें हमें उठाओ आए तले जैसे भाजी गए। थाने में तहरीर दी आपने? हाँ। पुलिस क्या कह रही? पुलिस अभी तक पुलिस पकड़ के लाई उन्हें? हाँ, बंद कर दो। एक जो भी मारपीट आई है कहाँ से आई, किसके द्वारा लाएगी? ये थाना कमालगंज में अंतर्गत है और गांव का नाम है कोरचला, महिला का नाम है सुमन देवी और इसको सर में चोट लगी हुई है किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। तो एक चोट जो है थोड़ी सी वैसी है, ऐसा लग रहा है कि टूटी हो सकती है, इसके लिए हमने इसको रेफर किया जिला अस्पताल के। कई लोग घायल हैं? कितने लोग? अभी तो एक ही आया हुआ है, महिला है। कहाँ के लिए रेफर किया? जिला अस्पताल लोहिया।